सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने कोरोना संक्रमण में आम जन को राहत देने के लिए प्रभावी कदम उठाया है। इसके लिए विधायक कुमावत ने कोरोना की जंग लड़ने वाले चिकित्सा कर्मियों के लिए एमएलए फंड से 14 लाख रुपए की स्वीकृत करने की अनुशंसा जिला कलेक्टर को भेजी है। कुमावत ने लोगों से लॉकडाउन में अपने घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान सरकार के प्रयास हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। विधायक ने 63 पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले असहाय दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों के भोजन की व्यवस्था के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा जिला कलेक्टर को भेजी है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द करवाकर सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में भोजन पैकेट्स उपलब्ध करवाने की मांग की गई है। वहीं कोरोना की जंग लड़ रहे चिकित्सा कर्मियों और उनकी टीम की सुरक्षा के लिए पब्लिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सूट की खरीदी के लिए 3 लाख रुपए की अनुशंसा जिला कलेक्टर को भेजी है। इससे डॉक्टरों और कर्मचारियों को संक्रमण का कोई खतरा नहीं रहेगा। कि आप लोग इस कोरोना से मुकाबला करने के लिए हरदम तत्पर रहे, तैयार रहे, और आपसे विशेष विनती है, विशेष निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, घर में ही रह करके इस बीमारी का मुकाबला करना है। निश्चित रूप से बाहर, घर के अंदर बीमारी नहीं है, बीमारी है बाहर, और बाहर आप जाकर के निकलोगे, किसी न किसी से मिलोगे, किसी से संपर्क में आओगे, तो निश्चित रूप से ये बीमारी से संक्रमित होने का डर रहेगा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आवश्यक काम से, कोई जरूरी काम हो, मेडिकल